फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किए हैं चैप्टर वन का, यानी कि चार नंबर का व्यवस्था कर दिया हम लोग का। अब ये दूसरा चैप्टर का व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें से तीन या चार नंबर कैसे ही पूछता है। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, मतलब टोटल केमिस्ट्री 14 मार्क्स का है ना, तो तीन चैप्टर मतलब लगभग पांच पांच ऐसा पड़ता है, तो पांच पांच के मान से चलो कि पांच नंबर का ये भी पढ़ रहे हैं हम लोग। फिजिक्स क्वालिटी वीडियो अपलोड हो चुका है, यानी कि 16 मार्क्स का, अब हाँ 16 मार्क्स का इंतजाम हो चुका है, वहाँ पे अपलोडेड है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एसिड बेस एंड साल्ट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग को, वैसे तो चैप्टर काफी बड़ा है, इसमें हम लोग को पता करना है कि एसिड के साथ फलाना चीज को मिलाएंगे तो क्या होगा, फिर फलाना चीज को मिलाएंगे क्या होगा, ढिमकाना को मिलाएंगे तो क्या होगा, मतलब कि हम लोग को देखना है कि एसिड को मेटल के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, एसिड को नॉन मेटल के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, या फिर मेटल को बेस के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, या फिर मेटल कार्बन को एसिड के साथ मिलाएंगे, मतलब इस टाइप से एसिड और बेस के साथ खेल खेलते रहना हम लोग को। ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम लोग को ये पता करना होगा ना कि एसिड कौन है और बेस कौन है और कैसे पता करते हैं। तो पता करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसको इंडिकेटर, मतलब इस टाइप का डेफिनेशन आएगा तो द इक्विपमेंट द डिवाइस द सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू फाइंड आउट व्हिच इज एसिड और बेस, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर। ठीक है, यानी कि इंडिकेटर कहते हैं उसको। उसके बाद अब हम लोग जो नॉर्मली बुक में पढ़ रहे हैं वो नेचुरल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर या ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ये सब पढ़ रहे हैं। ऑल फैक्ट्री मतलब इससे स्मेल से पता चल जाए, जैसे ओनियन हो गया, ये सब स्मेल से ही पता करता है, ग्लो हुआ है, ये सब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में आता है। और ऐसा इंडिकेटर जिसको हम लोग को मतलब डुबा करके पिंच करके ऐसे पता करना पड़ता है, वह तुम्हारा लिटमस पेपर है, फेनोक्सनिड है और मिथाइल ऑरेंज है। इसमें डायरेक्ट याद करो, समझना वैसे भी कुछ नहीं है। कहता है कि अगर एसिड को रेड कलर में बदल दिया तो, सॉरी लिटमस पेपर अगर रेड में बदल दिया एसिड को तो मतलब एसिड है, अगर ब्लू में बदल दिया तो मतलब बेस है। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली एसिड को बदल देता है कलरलेस में, एक्चुअली अगर कोई भी कलर हो, यानी कि फेनोक्सिल का कुछ भी कलर हो, अगर एसिड डालेंगे उसमें तो कलरलेस हो जाएगा, और अगर उसमें बेस डालेंगे तो पिंक कलर का हो जाएगा। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा, एसिड डालेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा, जो कि लिटमस पेपर से सिमिलर है। याद करने का तरीका कि लिटमस पेपर में भी रेड होता था एसिड में और मिथाइल ऑरेंज में भी रेड हो रहा है, और यहाँ पे बेस में क्या हो रहा था, ब्लू हो रहा था, यहाँ पे बेस में थोड़ा सा चेंज है, येलो हो रहा है, और इसमें एसिड में क्या हो रहा था, कलरलेस, और बेस में क्या हो रहा था, पिंक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे के लिए हम लोग देखते हैं कि मेटल को जब एसिड में मिलाएंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लिए हैं, देखो मेटल को एसिड में मिलाए हैं तो क्या होगा, सीएल जो है, एक्चुअली सीएल से बात नहीं है, वो बात है कि जेडन जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि जेडन ज्यादा बलशाली है, तो क्या बना लेगा, जेडन सीएल टू रिप्लेस तो कर दिया, लेकिन जेडन सीएल टू किस टाइप का है, ये साल्ट कहलाता है। तो इसका मतलब कि मेटल में जब एसिड मिलाएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब सवाल ये होता है कि मेटल प्लस एसिड जो है वो साल्ट प्लस वाटर क्यों नहीं, तो वाटर इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं है, तो जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो वाटर बनने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो इसीलिए जब मेटल में एसिड मिलाएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। दूसरा है कि मेटल में जब बेस मिलाएंगे तब क्या बनेगा, तो कहता है कि मेटल जो है ना ऑलरेडी बेसिक कैरेक्टर का ही होता है, या तो मेटल हो या मेटल ऑक्साइड हो या मेटल हाइड्रोक्साइड हो, सबका सब बेस ही है, तो जब बेस में बेस मिलाएंगे तो कभी भी साल्ट बनेगा नहीं ना, इसलिए क्या होता है, ये नो रिएक्शन होता है, लेकिन दो करम कीटास को छोड़ के, जिंक और एल्युमिनियम। अब ये दोनों क्या है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, मतलब ऐसा ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर का भी होता है और बेसिक नेचर का भी होता है, मतलब एसिड को देखेगा तो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा और बेस को देखेगा तो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, बड़ी नालायक किस्म का इंसान है, लेकिन क्या करोगे, है तो है। तो जब मिलाए हम इसको, मतलब कि हाँ, जब इसके एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिंक में मिलाए तो बन गया, यानी कि बनना तो नहीं चाहिए था लेकिन बन गया, क्या बना, साल्ट प्लस वाटर, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। अभी क्योंकि रिवीजन करा रहे हैं इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते हैं कैसे बना, क्यों बना, क्या, लेकिन हाँ शॉर्ट में समझो कि दो केस में मेटल जो है बेस के साथ रिएक्शन करके भी बनाता है सेम चीज, साल्ट प्लस हाइड्रोजन जो मेटल प्लस एसिड में बन रहा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। मेटल कार्बोनेट मतलब कौन सा, सीओ थ्री वाला, जैसे सीओ से थ्री पहले इस चैप्टर में देखे हैं आप लोग के लिए, पिछला वीडियो सीओ सीओ थ्री वाला बनाता है। फिर मेटल बाइकार्बोनेट कौन सा, जिसमें HCO3 लगा हुआ होता है, मतलब जिसमें CO3 लगा हुआ वो कार्बोनेट, जिसमें HCO3 लगा हुआ होगा बाइकार्बोनेट। अगर इसमें हम लोग मिला देंगे एसिड, जैसे यहाँ पे देखो Na2CO3 में HCl मिलाए हैं, यानी कि सोडियम कार्बोनेट में एसिड मिलाए हैं, तो क्या बना है, NaCl बना है, यानी कि साल्ट बना है, H2O बना है, यानी कि वाटर बना है, और CO2 बना है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बना है। तो इसमें तीन प्रोडक्ट होता है, याद रखना, जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ मिलाते हैं तो साल्ट तो जैसे बनता था वैसे बनेगा, इसमें सब में एक चीज कॉमन है साल्ट, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नहीं बनकर के वाटर बना है, और वाटर के बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड बना है, क्यों बना है वो देखो, यहाँ पे जब वाटर बन गया तो ये देखो यहाँ पे कहा गया,
यहाँ पे CO2 जो है वो तो बच जाएगा ना, फिर भी देखो इनने जो है वो सीट के साथ निकल लिया, यानी कि इसका यूज कर लिए, इसका भी यूज कर लिए, वाटर भी निकाल दिए, एच यहाँ से यूज कर लिया, ऑक्सीजन एक यहाँ से यूज कर लिए, लेकिन फिर भी यहाँ से CO2 को ऑक्सीजन बच रहा है ना, इसीलिए CO2 भी अलग से निकल जाता है। तो कहता है कि मेटल कार्बोनेट को जब आप रिएक्शन कराइएगा एसिड के साथ तो क्या निकल के सामने आता है, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तीन प्रोडक्ट। अब आगे चलते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, ये तो एकदम बढ़िया है, मतलब सबसे बेस्ट रिएक्शन इसी का है। कैसे, मेटल ऑक्साइड प्योर बेस है और एसिड तो ऑलरेडी एसिड है, तो बेस और एसिड मिलकर बहुत अच्छा रिएक्शन करेगा, क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर। अब इसमें वाटर कैसे बन गया, इसमें नहीं बन रहा था, इसमें वाटर कैसे बन गया, इसमें वाटर इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन आ रहा है, और वहां पे वाटर इसमें नहीं बन पा रहा था क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन बच रहा था, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन तो आकर के उस ऑक्सीजन का कमी तो पूरा कर दिया था, इसलिए यहाँ साल्ट के साथ साथ क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड बनाएगा साल्ट प्लस वाटर। लेकिन अब वही बात है कि मेटल ऑक्साइड प्लस बेस क्या बनाएगा, तो कुछ नहीं, क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड भी बेसिक कैरेक्टर का और बेस तो ऑलरेडी बेसिक कैरेक्टर का, तो बेस प्लस बेस कुछ नहीं बनाएगा। उसके बाद है, अब हमको अगर बेस लेना ही है, मतलब अगर हम चाहते हैं इधर की बेस ले, तो इधर फिर एसिडिक कैरेक्टर को ही लेना होगा, तो मेटल ऑक्साइड तो बेसिक कैरेक्टर का होता है, तो फिर हम लोग नॉन मेटल ऑक्साइड लेंगे। तो नॉन मेटल ऑक्साइड और बेस मिलकर क्या बनाएगा, सेम वही प्रोडक्ट साल्ट प्लस वाटर। एक एग्जांपल में भी देख लो, ये रहा बेस और ये रहा नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो नॉन मेटल का, सी भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, तो ये हो गया तुम्हारा CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, दोनों मिलकर क्या बना दिया, CaCO3 प्लस H2O, यानी कि कैल्शियम। इसको अभी थोड़ी पहले नाम देखे थे ना, इसका क्या नाम था, सिलेक्ट लाइट, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको सीमेंट वेंट मार्बल में यूज करते हैं, इस दोनों को बताए थे ना थोड़ी देर पहले। और ये क्या है, वाटर, जैसा कि यहाँ पे वादा हुआ था ना कि साल्ट प्लस वाटर बनाएंगे नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस मिलकर के। उसके बाद क्या है अगला, कि एसिड में से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यानी कि जहां भी एच प्लस देखना है वो समझ जाना एसिड है, और जहां भी ओएच माइनस देखना है समझ जाना है कि बेस है। तो एसिड में से निकलता है एच प्लस और बेस में से निकलता है ओएच माइनस, तो ये दोनों क्या बन जाता है, एच प्लस और ओएच माइनस क्या बनाएगा, एच प्लस और ओएच माइनस क्या बनाएगा, दो एच है एक ऑक्सीजन है, यानी क्या बनाएगा, वाटर। इसीलिए जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो साल्ट तो बनता ही, लेकिन साथ में क्या बनता है, वाटर। अब पीएच वैल्यू के बारे में कहता है, तो पीएच वैल्यू के बारे में ये है कि 0 से 7 वाला जो है ना एसिडिक है, यानी कि 0 की तरफ जितना बढ़ेंगे उसमें एसिडिक और स्ट्रांग होते जाएगा, जिसका 0 वैल्यू होगा काफी स्ट्रांग है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये सब काफी स्ट्रांग है, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये भी स्ट्रांग है, लेकिन जो एसिड थोड़ा कम, जैसे नींबू का रस, टमाटर का रस, इमली का रस, ये थोड़ा एसिडिक कम, इसको तुम खाते हुए डायरेक्ट एसिड को खा के देखो, पूरा यहाँ से पूरा नली जलते हुए नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो जिसको हम लोग खाते हैं वो एक्चुअली कमजोर होना चाहिए, तो उसका पीएच किधर से सटा हुआ होगा, 7 से सटा होगा, यानी कि 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 3 से इधर ही होगा। उसके बाद 7 नंबर पे न्यूट्रल है, और 7 के बाद यानी कि 7 से 14 के बीच में तुम्हारा बेसिक है। तो उसमें से है सबसे फेमस वाला जो एसिड है वो कौन सा, HCl। तो HCl जो सबसे फेमस है, इसका मतलब वो इसलिए फेमस है क्योंकि वो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर का होता है। तो जो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर का होगा उसका पीएच कितना होगा, उसका पीएच 0 से सटा कर देगा, यानी कि 0, 1, 2, 3 के बीच में होगा उसका पीएच। और सबसे ज्यादा जो फेमस बेस है वो कौन सा, NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि उसका जो पीएच होगा वो किससे सटा करके होगा, 14 से, यानी कि 14 ही होता है वाकई में भी। और जो तुम्हारा न्यूट्रल है वो 7, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो न्यूट्रल है, और ब्लड भी जो है ना लगभग न्यूट्रल है, वैसे एसिडिक कैरेक्टर का है नहीं तो लगभग न्यूट्रल है, ठीक। अब जो है हम लोग कुछ इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन इसमें पूछेगा ना कि जैसे मधुमक्खी काट लिया, तो मधुमक्खी काट लिया तो कितना पीएच स्केल का हम उस पर डिवाइस यूज करेंगे कि उससे हमको बच सके। तो मधुमक्खी काटा तो क्या दिया होगा, एसिड दिया होगा, तो उससे बचने के लिए हम लोग ऑब्वियस सा बात है कि थोड़ा बेसिक कैरेक्टर का कुछ यूज करेंगे, जैसे मेटल यूज करेंगे, जैसे आयरन यूज करेंगे, जैसे लोहा, अच्छा आयरन लोहा एक ही होता है ना, हाँ ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सोडियम यूज कर सकते हैं, कोई और मेटल यूज कर सकते हैं, मतलब मेटल ही यूज करेंगे या मेटल ऑक्साइड यूज करेंगे। अब मेटल ऑक्साइड कौन कौन सा है, मेटल हाइड्रोक्साइड कौन कौन सा है, वो कुछ फेमस हाइड्रोक्साइड का नाम यहाँ लिख देते हैं हम लोग। NaOH हो गया, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, CaOH का होल ट्वाइस हो गया, ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब क्या है ना बेसिक कैरेक्टर का होता है, ये सब हम लोग इजिली यूज कर सकते हैं ये सब चीज में, ठीक है। उसके बाद हम लोग का है कुछ साल्ट के बारे में पढ़ना, पीएच से और क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा बहुत बुक देख लेना, जैसे कि दिया हुआ होगा कि हम लोग का जो नॉर्मल मिट्टी का जो पीएच है वो कितना होता है, तो 5.5 के आसपास होता है, तो उसको अगर हम लोग को फर्टिलिटी देना होगा तो क्या मिलाना होगा, बेस मिलाना होगा, इसलिए हमको उसमें यूरिया मिलाते हैं। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 होता है। एमोनिया मिलाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4+ होता है।
तो ये सब कंपाउंड हम लोग मिलाते हैं क्योंकि ये लोग बेसिक कैरेक्टर का, और बेसिक कैरेक्टर वाला क्यों मिलाते हैं क्योंकि जो मिट्टी का नॉर्मल जो हम लोग के यहाँ मिट्टी है उसका जो पीएच वैल्यू है कितना है, लगभग 5.5 के आसपास है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग साल्ट का सारा पार्ट एक साथ देखते हैं। अब हम लोग सारा साल्ट का जो वीडियो है ना, मतलब कि सारा साल्ट का जो टॉपिक है सब एक साथ कैप्चर कर लेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू, पांच टाइप का साल्ट वैसे फेमस पढ़ना है हम लोग को। सबसे पहले है ब्राइन सॉल्यूशन, मतलब उसी को टेबल साल्ट बोलते हैं। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और चौथा है आपका वॉशिंग सोडा, और पांचवा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसी से बनता है जिप्सम। मतलब टोटल पांच ही है, उसको छह में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम को अलग अलग पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं NaCl को। तो जो NaCl है ना वो एकदम टेबल साल्ट है, मतलब कॉमन साल्ट जो हम लोग घर में यूज करते हैं नमक। अगर उसी नमक में पानी मिला दे तो उसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, यानी कि ये नमक में अगर हम पानी मिला दे तो क्या बोलेंगे उसको, ब्राइन सॉल्यूशन। मतलब नमक पानी के घोल को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। लेकिन समस्या क्या है ना, उसमें नमक पानी मिलाने के बाद हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी भी पास कराना है। मतलब कुछ ऐसा, एक कंटेनर ले लिया, उसमें नमक पानी मिला दिया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, एक जगह कैथोड रख दिया और एक जगह एनोड रख दिया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करते तो हम लोग को NaCl प्लस H2O मिलके क्या बन जाता है, NaOH तो बनता, लेकिन बाद में जो दूसरा कंपाउंड बनता वो HCl बन जाता, और हमको HCl नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे क्लोरीन डिमांड मांगता था, इसलिए क्लोरीन को अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, HCl को तोड़ना पड़ेगा, और HCl को तोड़ना है तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कैथोड एनोड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कैथोड और एनोड का इस्तेमाल किया है ताकि हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग टूट जाए। क्यों, क्योंकि हमको क्लोरीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन का क्या काम है जस्ट इसमें पता चल जाएगा, लेकिन क्लोरीन को हमको अलग करना था इसलिए इतना मेहनत किया। मतलब NaCl में से क्लोरीन अलग करने के लिए जो प्रोसेस का नाम है उसका नाम है क्लोर एल्केली प्रोसेस। कैसे किए, एक कंटेनर लिए, उसमें ब्राइन सॉल्यूशन बनाए, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब कौन सा सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर मिला करके उसको ब्राइन सॉल्यूशन बनाए, उसमें फिर हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो कैथोड और एनोड आया, उसमें फिर हम लोग Cl2 और H2 अलग हो गया। आप बताओ कैथोड किस, कैथोड पे कौन सा जाएगा, कैथोड मतलब निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज पे पॉजिटिव वाला जाएगा यानी कि हाइड्रोजन कैथोड पे जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज यानी कि एनोड, एनोड पे कौन जाएगा, निगेटिव वाला यानी कि क्लोरीन कहां जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यानी कि एनोड पे। क्वेश्चन इससे पूछता है तो ध्यान रखना इस चीज का। अब आगे है ब्लीचिंग पाउडर। अब तुमको हम बोले थे ना कि Cl2 हम अलग क्यों कर रहे हैं, वो अगले ही केस में पता चल जाएगा। देखो अगले केस में पता चल गया, सबसे पहले सेलेक्ट लाइम लिया, CaOH का होल्ड पे ऐसे कैसे बनाए थे, क्विक लाइम में हम लोग वाटर मिला दिए थे तो सेलेक्ट लाइम बन गया था। तो सेलेक्ट लाइम बनाए पहले, सबसे पहले उसमें फिर Cl2 कहां से लाए, यही Cl2 जो यहां अलग किए थे, इसी वजह से अलग किए थे ताकि इसमें मिला सके। तो Cl2 यहां से अलग किए हुए थे, उसको यहां पे लाके मिला दिए तो क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का तो मतलब पता है, फॉर्मूला पहले देख लो, CaOCl2। डायरेक्ट पूछता है कभी कभी कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2। अब ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं हम लोग डिसइंफेक्टेंट, यानी कहीं पे इन्फेक्शन है उससे बचने के लिए, जैसे बाथरूम के बाहर नाली के बाहर सब छिटा हुआ रहता है, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज करते हैं इसको। याद कर लेना, ये सब पूछता है एग्जाम में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इनमें से कौन सा यूज हो सकता है, तो ऑप्शन होगा CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, तो मान लेना। तीसरा है बेकिंग सोडा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग घर में इसको खाबर सोडा बोलते हैं या कुछ और भी बोलता होगा तुम लोग पता नहीं, लेकिन बेकिंग सोडा काफी इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करते हैं हम लोग तीज में या छठ के समय में, जब ठकुआ पिड़िके यानी कि खस्ता बनता है ना, उसमें हम लोग थोड़ा सा नरम करने के लिए डालते हैं इसको। तो ये करता क्या है और बनता कैसे है वो सबसे जरूरी है। अगर इसका तुम कंपाउंड का फॉर्मूला देखो तो ये है सोडियम है, इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो यानी कि हमको एक सोडियम का कंपाउंड चाहिए, तो सोडियम का कंपाउंड जो सबसे इजीली अवेलेबल है वो ये वाला, यानी कि NaCl ले लिए। उसके बाद हमको CO2 चाहिए तो CO2 ले लिए, उसका H2O चाहिए तो H2O ले लिए। अब ये NH3 क्यों लिए हैं, अच्छा अभी उतना टाइम नहीं क्योंकि ये रिवीजन करा रहे हैं, इसके लिए अलग से फिर कभी वीडियो बनाएंगे या फिर अगले साल या फिर जब भी हो नए सेशन में बनाएंगे तो देखा जाएगा। वैसे एक शॉर्ट में हम बस बता देते हैं कि NH3 इसलिए लिए क्योंकि यहां से जो Cl बच के जाएगा, मतलब Cl जो निकलेगा वो इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl नहीं बना ले, इसलिए हमको NH3 लेना पड़ा ताकि NH3 के साथ ये Cl मिल जाए तो NH4Cl बना ले। अब ये Cl तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, Cl और NH4 आपस में मिल गया, अब हमको यहां से क्या बचा, NaHCO3 हो गया ना, जो चाहिए था वो मिल गया। Cl बस एक डिस्टर्ब कर रहा था तो उसके लिए हम एक दूसरा एलिमेंट डाल दिया जो उसको चिपका सकता है, तो चिपका लिया, NH4Cl बना लिया, और इसके अलावा जो Na बचा यहां से H बचा, यहां से O और यहां से C, तो सब मिलकर क्या बना लिया, NaHCO3। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि बोलता है कि एक रिएक्शन करा रहे हैं जिसमें हम लोग सॉल्ट को मिला रहे हैं कोई चीज में, मतलब कोई तीन चीजें मिला रहे हैं, तो जो मेरा बन रहा है ना वो यूज होता है बेकरी में, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो तुम्हारा जो तीन चीज है वो कौन कौन सा है, पहला तो एमोनिया NH3,
दूसरा क्या है, दूसरा तुम्हारा CO2, तीसरा क्या है तुम्हारा H2O, ये तीनों को मिलाया टेबल साल्ट में यानी कि NaCl में, तब जाकर के तुम्हारा बना NH4Cl, यानी कि ये वाला, ये तो अलग से जानबूझ के डाले ही थे ताकि सीएल के साथ अलग हो जाए, और साथ में जो एकदम जरूरी कंपाउंड था वो क्या बना, जो सॉफ्ट करने का काम में आता है वो है तुम्हारा NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। ओह यहाँ TNH2 छूट गया एक्चुअली, ये सोडियम कार्बोनेट का, अच्छा ये तो अभी थोड़ी देर के बाद नीचे जाएंगे ही। तो अब दूसरा तरीका क्या है हमको बनाने का, दूसरा तरीका ये है कि अगर सोडियम कार्बोनेट हमको पहले से कोई दे दे और उसमें हम वाटर और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिला दे तो भी NaHCO3 बन जाता है। खैर ये हम लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि इसमें Na2CO3 हमको पहले से चाहिए, जो कि उतना भी इजिली अवेलेबल नहीं है जितना NaCl है, इसीलिए। अब वाशिंग सोडा क्या है, जिससे कपड़ा धोते हैं, डिटर्जेंट जिसको बोलते हैं, अच्छा हाँ इसका यूज छूट गया ना, इसका यूज कहाँ कहाँ, ये तो ऑलरेडी वैसे हम बता दिए कि बेकिंग मतलब बेकरी में यूज करते हैं, ब्रेड को हल्का करने के लिए, ये सब करने के लिए यूज करते हैं, मतलब कि कुल मिलाकर के ये प्योर बेस का काम करता है। मतलब कि अगर कुछ जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिए थे कि चींटी काट लिया, तो चींटी काट लिया तो अगर लोहा नहीं मिल रहा तो इसको भी लगा सकते हैं क्योंकि ये एकदम प्योर बेस है ये भी, ठीक है। अब वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। अब हम लोग जैसे इसको Cl2 को हेल्प लेकर के ये बनाए थे, वैसे ही यहाँ पे अब मेरे पास पहले से NaSCO3 पहले से है, NaSCO3 में पहले से है, और तुम अगर ध्यान दो तो Na2CO3 और NaSCO3 में सिर्फ हाइड्रोजन का फर्क है, यानी कि अगर इसमें से हाइड्रोजन हटा दे तो ये बन जाएगा मेरा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मेरा बन जाएगा। तो बस हम हीट देंगे तो हीट देने से क्या होगा, ये तो क्योंकि कमजोर होता है, एक्टिविटीज भी थोड़ा पहले बताए थे पिछले चैप्टर में, आप लोग वीडियो देखिएगा, अभी एग्जाम कर लिए तो देखिएगा, तो वहां पे पता चलेगा कि हाइड्रोजन जो है वहां पे काफी लेस रिएक्टिव होता है, तो हीट जैसे ही डालेंगे हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव वाला उसको छोड़ देगा, तो क्या बना लेगा, Na2CO3 बना लेगा और वाटर अलग हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा, मतलब ये वाला, इसको ये किए थे तो ये बन गया और इसको जैसे ही हीट दिया तो ये बन गया, इस टाइप का जो रिएक्शन होता है ना जिसमें रिएक्टेड प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेड में वापस बदल जाता है उसको इररिवर्सिबल बोलते हैं। तो ये इररिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि इसको बनाए तो ये बन गया और इसको हीट किया तो फिर वापस से वही मिल गया जो पहले से था, मतलब Na2CO3 वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो Na2CO3 हमको चाहिए था, मिल गया, लेकिन हमको Na2CO3 जो मिला वो सोडियम कार्बोनेट, हमको वाशिंग सोडा भी नहीं बना है, वाशिंग सोडा बनाने के लिए उसमें .10H2O मिक्स होना चाहिए। अब ये .10H2O साथ में चिपका हुआ क्यों है, इसका मतलब ये वजह से कि अब हम सरफ में पानी मिला दे तो पानी और सरफ दोनों दिखेगा हमको, लेकिन .10H2O का मतलब ये है कि उसमें इनबिल्ट अंदर घुसा हुआ है, पता नहीं चल रहा है लेकिन अंदर घुसा हुआ है, मतलब सिमसिम टाइप का भीगा हुआ जैसा महसूस होगा लेकिन अलग से पानी जैसा नहीं दिखेगा, उसका मतलब है .10H2O। लेकिन वही अगर हम +10H2O लिखते हैं मतलब कि अलग से पानी मिला रहे हैं, तो यहाँ पे हम +10H2O था उसमें ऐड हुआ तो क्या बन गया Na2CO3.10H2O, यानी कि जो हमको वाशिंग सोडा चाहिए था वो मिल गया। वाशिंग सोडा का क्या काम है, वाशिंग सोडा का काम है कपड़ा धोना और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, सॉरी पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में तो ये वाला था ना ब्लीचिंग पाउडर, पेपर इंडस्ट्री में बोरेक्स बनाने में और पानी को हल्का करने में, वही मतलब वही कपड़ा धोने में, ठीक है। अब लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.5H2O, मतलब इसको याद करो डायरेक्ट CaSO4.5H2O। इसको मार्केट से लाते हैं, उसको हाथ पे रखते हैं पानी मिला करके, और पानी का कितना मॉलिक्यूल मिलाना होगा .5H2O, मतलब कि इसमें मिलाना होगा डेढ़, मतलब डेढ़ मॉलिक्यूल पानी का मिलाए हम, ये हमसे नहीं होगा तुमसे भी नहीं होगा क्योंकि डेढ़ मॉलिक्यूल पानी का मिलाना हम लोग के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब हम लोग के लिए जो लोकल इंसान है, लेकिन जो डॉक्टर सब है या जो इसका जानकार है वो तो करता ही ना, तभी तो हम लोग जाते हैं वहां पे, ना तो खुद से नहीं कर लेते। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लेके आए मार्केट से खरीद के, उसमें डेढ़ मॉलिक्यूल वाटर का मिलाए तो क्या बन गया, जिप्सम, मतलब कि हाथ किसी का मान लो टूटा होता देखा होगा कि हाथ पे मोटा मोटा पट्टी उजला कलर का बांधे हुआ है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लाया, पानी डेढ़ मॉलिक्यूल मिलाया, उसको जमा दिया, तो जो जमने के बाद बनता है उसी को क्या बोलते हैं, जिप्सम। तो इसमें हाथ जमा दे तो मतलब सॉलिड किया ना, उसको मोटा किया, उसको जमा दिए, जमने के बाद हाथ वैसे रहता है तो अपने आप वो जुड़ जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लाए और उसे क्या, जिप्सम में कन्वर्ट कर दिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4.5H2O, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O। कैसे 2H2O आया, डेढ़ मॉलिक्यूल हम वाटर का मिला दिए। इसका यूज कहाँ करते हैं, सॉलिडिफिकेशन में, मतलब कि मजबूत करने में, ठीक है। तो साल्ट का सारा टॉपिक हो गया, एसिड बेस साल्ट में पहले मेटल किसके साथ क्या बनेगा ये सब ऑलरेडी बता चुके हैं, तो मतलब साल्ट में इस टाइप का इतना क्वेश्चन पूछ सकता है, एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना टाइम है तो, ठीक है। तो हम लोग अगले चैप्टर की ओर चलते हैं।